प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा, जर्जर स्कूल निर्माण को प्राथमिकता। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा, कल जगह जगह होगा शस्त्र पूजन। प्रदेश के परिवहन, शिक्षा और जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बालाघाट जिले का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था और HDU इकाई की स्थिति जानी। मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए निर्देश दिए और गरीबों को शासन द्वारा निर्धारित सेवाएँ सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इस दौरान कलेक्टर, SP और स्थानीय विधायक भी उपस्थित थे। प्रदेश के परिवहन, शिक्षा और जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बालाघाट जिले में जर्जर स्कूलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को मरम्मत और निर्माण कार्यों की सूची शीघ्र भेजने के निर्देश दिए। मंत्री ने कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारियों के साथ बैठक में परिवहन, स्वास्थ्य और खाद्य विभागों के कार्यों की समीक्षा भी की। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिरवा में हवाई पट्टी निर्माण का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र के नवमी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से की गई। भक्तों ने घरों और मंदिरों में रखे जवारा और ज्योति कलशों का विसर्जन नदी तालाबों में किया। ये प्रक्रिया दोपहर 12 बजे से शुरू होकर शाम तक चली, जिसमें भक्त माता रानी के जय घोष करते हुए शामिल हुए। विसर्जन के बाद महाप्रसाद और भंडारे का वितरण किया गया। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। नवरात्रि के अवसर पर मां काली पाट और त्रिपुर सुंदरी मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने काली पाट मंदिर, जय स्तंभ चौक और दुर्गा मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किए। नवमी के दिन इन मंदिरों से कलश और जवारा विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई, जो माता रानी के जय घोष के साथ वैनगंगा नदी पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर ज्योति कलशों का विसर्जन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हर वर्ष अश्विन मास की दशमी तिथि को विजयादशमी यानी दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 12 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। दिन में शस्त्र पूजा के साथ लंकापति रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। पिछले 63 वर्षों से जिला मुख्यालय में मुख्य समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें हनुमान जी का स्वरूप धारण कर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा भरवेली में भी रावण दहन और आतिशबाजी का आयोजन होगा, जिससे बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रि के नवमी के अवसर पर शुक्रवार को गोधूली बेला में मां अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा गौ माता पूजन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम गौ माता का अभिषेक कर श्रृंगार किया गया। माता रानी को चुनरी ओढ़ाई गई, पैर में पायल पहनाई गई व श्रद्धालु महिलाओं द्वारा मेहंदी, माहुर, सिंदूर लगाकर गौ माता को दुल्हन की तरह सजाया गया। गौ माता को फलों और मिष्ठान का भोग लगाया गया। तत्पश्चात मां की आरती कर परिक्रमा की गई। इस अवसर पर अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी व महिलाओं सहित अन्य प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। जा मम्मी के पास एक राउंड लगा ले जा। जय करो, जय करो, जय कर ले। यहाँ